हेलो दोस्तों, मैं मीत गुप्ता उर्फ आनंद गुप्ता। कॉन्टैक्ट नंबर 9772758707। आज का बिजनेस जो वीडियो है ये है चाय का बिजनेस का थर्ड पार्ट। इसके पहले भी चाय के हमने बहुत से वीडियो बना रखे हैं। तो देखिए, आपके काफ़ी कॉल्स आते हैं, चाय की जानकारी चाहिए इसके बारे में, बिजनेस के लिए। तो इसके लिए हर इंसान से बात करना फ़ोन पर इतना पॉसिबल नहीं है। फ़ोन पे मैं खाली आपको चीज़ का भाव बता सकता हूँ, बाकी जो भी सवाल है, कुछ भी है, आपको इसके लिए वीडियो ही देखना होगा। कितनी बार ये बात कही हो बुरी भी लगती है, फिर हमारी जगह पे आप भी आके देखो, इतना पॉसिबल नहीं है बात करना। तो इसमें जो चीज़ बताई वीडियो के अंदर, चार बातें बताई गई है। पहली बात तो जो पहला क्वेश्चन होता है सबका, कि माल की सप्लाई कहाँ से होगी। हमारे माल की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, हम लोगों ने इसकी ब्रांचें खोल रखी अलग अलग। जैसे गुजरात साइड्स में जो माल जाएगा, गुजरात में बॉम्बे में, वो जाएगा अहमदाबाद से। इस साइड में आप आ जाइए अलवर साइड में, दिल्ली साइड में, यहाँ जयपुर से माल जाता है। तो इस प्रकार से एग्जांपल और ले लो आप, भोपाल हो गया, उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, यहाँ माल कोटा से बेचते हैं। तो हम लोग जो भी माल बेचते हैं ना, इस प्रकार हमने इसकी ब्रांचें खोल रखी हैं अलग जगह पर, तो उससे हम लोग माल बेचते हैं। दूसरी बात आती है कि माल क्या भाव बिकेगा, जो एग्जाम क्वेश्चन होते हैं। देखिए, रेट्स जो भी होती है ना, आप लोग अपने हिसाब से निकाल लीजिए। फिर भी थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, हिट देता हूँ। जैसे कि चाय आपकी 180 रुपये किलो परचेजिंग है, तो आप उसे रिटेल के अंदर बेचोगे तो आप 240 बेचो, ज़्यादा भी बेच सकते हो, लेकिन एक हिसाब से मार्जिन रखो, सेल अच्छी मिलेगी, रोटेशन घूमेगा फास्ट, 240 रुपये, जिसको कि आपने 180 रुपये किलो खरीदा है। लेकिन इसी में ये बात ध्यान रखो, जब दुकानदार ने आपसे 25 किलो माल, 30 किलो माल एक साथ मांगा कैश पेमेंट पे, तो आप उसे 200 रुपये दे दो। 180 खरीदी, 200 दी, 30 किलो माल गया, आपका मुनाफा हुआ 600 रुपये का सीधा सीधा। तो ये आपको अपने बेस पे देखना पड़ेगा कितना वॉल्यूम इसका बन रहा है माल का आपका। अच्छा, माल भाड़े की बात आती है, आप कहीं भी माल लो हमसे इंडिया में, सब जगह माल जाता है। जो भी हम लोग आपको भाव देंगे, जो फ़ोन पे आपको भाव बोला, नॉर्मली अच्छी चाय जो हमारी होती है 180 रुपये किलो होती है। इसमें GST का बिल प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज सब कंप्लीट जोड़ के देता हूँ भाव में। इसके अलावा आपका कोई पैसा नहीं लगता। ट्रांसपोर्ट कंपनी से आपको माल लेके आना होता है, घर पे माल आपके नहीं पहुँचता। इसके बाद में आता है एक क्वेश्चन, आता है चाय को कैसे बेचें। कॉमन सी बात है, चाय हर घर में यूज़ होती है, तो चाय बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आप उसको अच्छी प्लानिंग से बेच रहे हो तो, और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसमें माप यही खाते हैं कई लोग, कितनी क्वालिटी के फ़ोन आते हैं कि हमने माल खरीदा कहीं और से सस्ता माल, अब वो माल सेल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होता, क्वालिटी अच्छी नहीं आती माल की। तो हर वीडियो मैंने ये बात बोली है, और अधिकांश लोग गलती क्या करते हैं, नए लोग स्पेशली, हम माल को मिक्स कर लें अच्छा और हल्का, तो मिक्सअप का तो आइडिया होता है ना, ये कभी भी सक्सेस नहीं होगा। एक बार सक्सेस हो गया, सेकंड टाइम ऊपर नीचे हो गया, तो आप फेल हो जाओगे। इसके अलावा एक होता है कि आपने सस्ता माल लिया थोड़ा कम पैसों के अंदर, जब वो चीज़ ही पसंद नहीं आएगी सामने वाले को, क्या बिजनेस होगा। आप खुद अपने घर पे बात करो, आपके घर पे चाय की बत्ती आती है, अगर वो अच्छी नहीं है तो घर पे क्या बोलेगी आपकी वाइफ आपको, आपकी बात से चाय मत ले गया ना। तो इसलिए चाय पत्ती क्वालिटी अच्छी हो। अब बेचने के आइडिया की बात आती है, तो देखिए सिंपल सा इसका होता है, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं। कई लोग क्वेश्चन होते हैं 5 रुपये वाली पाउच, 10 रुपये वाले पाउच, बेवकूफ़ी होती है बेचना। अरे 5 रुपये के पाउच, 10 रुपये पाउच कितने बिकते हैं, ये दुकानों पर टंगे रहते हैं, खाली बिकते रहते हैं, बहुत कम सेल आती है। और अगर सेल आ भी गई तो उसे मार्जिन क्या मिलेगा बाबा जी का, कुछ नहीं मिलता। इसका बेचने का बेस्ट आइडिया, एक घर में चाय पत्ती जाती है 250 ग्राम एवरेज, एक महीना चल जाता है, उन सबको चल लेते अपनी जगह पे। साथ में आप पकड़ो चाय की दुकान, स्टॉल चाय की, होटल वाले, ठेले वाले, एक अच्छी चाय दुकान होती है ना, उस पर 1 किलो चाय एवरेज खत्म हो जाती है दिन की। हल्का भी होगा तो 15-18 किलो खत्म हो जाती है एक दिन के अंदर, मतलब महीने के 30-25 किलो कम से कम एक चाय वाला, एक ठेले वाला भी ले लेता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक एक हफ्ते स्टॉक रखते हैं। आप ऐसे चाय वाले पकड़ लो,
आपकी सिटी में पकड़ लो, बहुत चाय वाले होते हैं हर शहर में, इस बिजनेस में फुर्सत नहीं मिलती, उनको सप्लाई करो, सबसे बेस्ट आइडिया आपको दे दिया अपने बेचने का। फिर भी इसके अलावा एक और अच्छे तरीके से प्रमोट करना है तो इसके लिए होता है एक दो मेज लगा ली, एक कैंप टाइप होता है केनो टाइप का, वो लगा दिया, वहाँ बैठ गए लेके कि चाय अपना लेके, एक छोटा बैनर लगा दिया, जितनी पब्लिक निकलेगी ना वहाँ से देखती निकलेगी, रुकेगी भी यहाँ पे, तो एक ऑटोमेटिक बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा उस आइटम का। बस बशर्ते चीज़ यही है, चीज़ सस्ती होनी नहीं हो, क्वालिटी अच्छी हो चीज़ की, तो बिजनेस में कभी इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके आते हैं, और एक क्वेश्चन आपका आता है कि हम खुद का ब्रांड बना लें, ये कर लें वो कर लें, तो इसके लिए मैंने सेकंड पार्ट बना रखा इसका वीडियो का, तो आप उसमें देखो, मुझसे सवाल नहीं करो उसके लिए। और एक बात और कहनी थी, क्या क्या परेशान हो चुका हूँ, ये चाय के अधिकांश कस्टमर होते हैं इतने कॉल आते हैं, ये फालतू के व्हाट्सअप मैसेज, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, होली दिवाली बेकार से वीडियो भेजते हैं ना, ये सब चीज़ें टाइम खराब मत किया करो। मुझे कोई जबरदस्ती आपसे रिश्ते नहीं निभाने, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, बिजनेस करता हूँ, मेरा रिश्ता आपसे सिर्फ बिजनेस तक है, इससे आगे नहीं है।